सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। मृतक व्यक्ति की पहचान मध्य प्रदेश के सतना जिला निवासी शैलेश केवट के रूप में हुई। खबर आजमगढ़ जिले के द्रवलिया थाना क्षेत्र से है, जहां कबीरुद्दीन बाजार के पास NH 233 पर रात 11 बजे एक व्यक्ति सड़क के किनारे टहल रहा था, तभी अंबेडकर नगर जिले की तरफ से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने उस व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए, लेकिन मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। वहीं सड़क निर्माण कर रही संस्था DVL के कुछ कर्मचारियों द्वारा दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति को जब देखा गया, तो मृत व्यक्ति की पहचान शैलेश केवट पुत्र स्वर्गीय जगन केवट उम्र 28 वर्ष निवासी पड़रिया कला पोस्ट एरा जिला सतना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। DVL के कर्मचारियों ने बताया कि ड्राइवर के रूप में तैनात शैलेश का स्थानांतरण 1 माह पूर्व गुवाहाटी आसाम में हुआ था। वह यहां क्यों आया, कैसे आया, इसकी जानकारी हमें नहीं है। वहीं सूचना पाते ही अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पांडे घटनास्थल पर पहुंच गए और उस व्यक्ति के मोबाइल से उसके घर पर बात किए, तो पता चला कि वह व्यक्ति 2 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे पत्नी से झगड़ा करके घर से निकला था। चचेरे भाई जगजीवन लाल केवट पुत्र राम कताहू केवट की तरफ से तहरीर दे दी गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी है। तो कैसे सूचना मिली आपको? पुलिस द्वारा। क्या हुआ था घटना, क्या सूचना क्या मिली आपको? सूचना की ठक्कर मार दिए हैं गाड़ी में, ये सूचना मिली है। कहाँ काम करते थे यहाँ पे? दिलीप प्रकाश जी, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन रहा है उस पर। जी जी। कितने वर्ष से काम कर रहे थे? ये 5-6 महीने। 5-6 महीने। उनके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 4 भाई हैं, हम चचेरे भाई। और उनकी शादी हो चुकी है? जी हाँ। उनकी बीवी बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।